दमो कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने लिया खाद भंडार केंद्रों का जायजा। जबेरा में सुबह से 520 किसानों को खाद वितरण किया गया है। सभी 5 काउंटरों में एक या दो किसान खाद लेने के लिए खड़े हुए हैं। मार्कफेड के गोदामों में 5 काउंटर एवं एक निजी एजेंसी का काउंटर खोलने का लिया निर्णय। दमो पथरिया हटा जबेरा और तेंदुखेड़ा केंद्रों का लिया जायजा। गोदामों में 5 काउंटर एवं एक निजी एजेंसी का काउंटर खोलने का निर्णय लिया गया। 6 काउंटर सभी जगह जगह संचालित हो रहे हैं। सुबह से देखा गया कि दमो पथरिया हट्टा और जबेरा सभी काउंटर संचालित हो रहे हैं। इसके पश्चात तेंदुखेड़ा के काउंटर भी देखा गया जहां किसानों को खाद वितरण का कार्य प्रारंभ था। जगह खाद वितरण का सुनिश्चित की गई है। सुबह वितरण किया काउंटरों में। किसान भाइयों से आग्रह करते हुए कहा कि जब भी काउंटर पर आते हैं तो साथ में वही और आधार कार्ड अवश्य लाएं, जिससे वितरण व्यवस्था में कोई परेशानी न हो और समय पर खाद का वितरण किया जा सके। जहां जहां पर भी पोर्टल में कोई दिक्कत आती है या कहीं पर सर्वर की समस्या आती है उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। आज 1 से 1.5 घंटे तक पोर्टल में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, किसान भाई धैर्य रखे जिससे सभी जगहों पर खाद वितरण सुनिश्चित किया जा सके। काउंटर 6 बजे तक खुले रहेंगे, जब तक लोग आते रहेंगे उनके लिए वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दमो से जिला ब्यूरो रोहित बारोलिया की रिपोर्ट। वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पूरे जिले में सभी मार्कफेड काउंटर अपने यहाँ पे गोदामों में 5 अपने शासकीय काउंटर और 1 निजी काउंटर, और उसके अलावा दमो अपने यहाँ पे मार्केटिंग सोसाइटी में 2 काउंटर जो है वितरण व्यवस्था के लिए की गई है। आज लगभग 12:30 बजे तक सिस्टम या सर्वर जो है थोड़ा इश्यू पैदा करने की वजह से शासन द्वारा ऑफलाइन भी हम लोगों को यहाँ पे वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उसके तारतम्य में सभी जगह जो है वितरण व्यवस्था की गई, क्योंकि पिछले 2 दिन में हम लोगों के यहाँ पे थोड़ा बैकलॉग था। आज अभी तक जो है 1383 किसानों का वितरण जो है वो होने का हम लोगों को मैसेज मिल गई है। अभी भी दमो में लगभग 60 लोग, हटा में 40, पतरिया में 40, मार्केटिंग सोसाइटी में 8-10 लोग बचे हैं, तेंदुखेड़ा में 15 किसान जो है अभी भी वहां पे लाइन में है, लाइन में होने का मैसेज आ रही है। सभी किसानों को 100% यहां पे अपने वितरण करने की सुनिश्चित करने के पश्चात ही सभी अपने काउंटर जो है वो बंद करेंगे। वो पूरा निर्देश जो है हम लोगों ने सभी लोगों को दिया है और यही इंश्योर करेंगे कि जितने किसान आ जाए सभी लोगों को खाद जो है उपलब्ध किया जाएगा।